दादा हीरा सिंह मरकाम जी एवं मेरे पिता तुल्य सभी विशिष्ट अतिथि सक्रिया मेरे युवा युवती सक्रिया छोटे छोटे बाल बृंद आप सभी के चरणों में सेवा जोहार करते हुए आप लोगों के समक्ष मैं लव कुमार परस्ते शिक्षक पंचायत ग्राम मेऊ तहसील पंडरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ मैं दादाजी के निर्देश के अनुसार कुछ शब्द आप लोगों के बीच में कहना चाहूंगा। आज हम यहाँ किस लिए इकट्ठे हुए हैं, इसका उद्देश्य क्या है? दादाजी ने प्रस्थान उद्बोधन के लिए हमें निर्देश किया। हम सेवा कार्य करते हुए जो भी इस अबोध से जो मन फटेगा मैं आप लोगों के बीच कहना चाहूंगा। शहीद वीर नारायण सिंह सोना खान शहादत दिवस, शहीद वीर नारायण सिंह सोना खान शहादत दिवस, जिस नाम को हम अमर रहे कह रहे हैं, इस नाम को हम काफी दिन में जान रहे हैं। क्यों कि कभी न कभी इसे दबा कर रखा गया है। इस शहीद वीर नारायण सिंह जो हमारे लिए इस समाज के लिए पूरे छत्तीसगढ़ के लिए पूरे भारतवर्ष के लिए जनताओं ने त्राही देखा दुख देखा तो इन्होंने अपने प्राण की नौछावर कर दी। इनका जन्म सत्रह सौ पंचानबे ईस्वी में हमारे ही छत्तीसगढ़ प्रांत के बलौरा बाजार तहसील में सोना खान नाम की धरती है, वहां एक जमींदार के घर पैदा हुआ। इनके पिता का नाम तिरुमाल रामसाय एक स्वाभिमानी पुरुष था। 1818-19 के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध तलवार उठाई, परंतु कैप्टन मैक्सन के विद्रोह ने उसे दबा दिया। बिजवार एक जाति का नाम है जो हमारे आदिवासी समुदाय से होते हैं। बिजवार आदिवासी के स्वास्थ्य और संगठन शक्ति से जमींदार राम साय का दबदबा बना रहा। अंग्रेजों से वो परास्त कभी नहीं हुआ, वह अपना दबदबा कायम रखा। अंग्रेजों ने उसे संधि कर ली। जब शहीद वीर नारायण सिंह जी की पिताजी का मृत्यु हुई 1830 में जमींदारी शहीद वीर नारायण जी के कंधे पर आ गई। सन 1854 में अंग्रेज राज्य में जब अंग्रेज राजाओं के राज को विलीन करना चाहा अंग्रेजी सत्ता पर, जिनका विद्रोह हमारे शहीद वीर नारायण सिंह ने 1854 में किया, इसके विरोध करने के उपरांत इन्हें दोषी ठहराते हुए डिप्टी कमिश्नर इलियट के साथ उनका टकराव बढ़ गया। शहीद वीर नारायण सिंह जी और उसके डिप्टी कमिश्नर थे जो अंग्रेजी सत्ता का था, उनके साथ टकराव हुआ। 1856 में जब देश में भीषण अकाल पड़ा, बहुत ज्यादा अकाल, लोग दाने दाने के लिए तरसने लगे। सर 1856 की बात है, जब लोगों ने दाने दाने के लिए तरसने लगे, यह दुख दुख शहीद वीर नारायण सिंह को देखा नहीं गया। इधर देख रहा है कि जो मालगुजार है
जो साहूकार है उनके गोदामों में अनाज पड़ा हुआ है और मेरे जनता भूखे मर रहे हैं। उन्होंने यह दुख को सहन न करते हुए गोदाम को खुलवा दिया, गोदाम को खुलवा कर लोगों में बंटवा दिया कि लोग भूख से ना मरे, लोगों के दुख को दूर करने के लिए अपने आया कदम उठाया, जिसके विरोध में सरकार ने उन्हें बंदी बना लिया, जेल में डाल दिया गया। सन 1857 में शहीद वीर नारायण सिंह जी जेल से भाग निकले और 28 दिन के बाद उन्होंने जेल से भागा। हमारे ही गुप्तचर, हमारे ही बीच में भेदी होने के कारण वह फिर पकड़ा गया और आज ही के दिन 10 दिसंबर 1857 में दादाजी बताए कि उन्हें रायपुर के चौराहे पर तोप से उड़ा दिया गया। हमारे लिए इन्होंने इतना समर्पित किया, फिर भी हमारे लोग इन्हें आज तक हम याद नहीं किए, लेकिन अब समय आया हुआ है, हम लोग अब जान गए हमारी इतिहास क्या है, तो निश्चित ही इनकी जो पदमार्ग है, जो बताए हुए रास्ते हैं, इन्होंने जो हमारे हमारे समाज को जो एक दिशा दिया कि हमें अन्याय के विरुद्ध उठ खड़ा होना चाहिए, हमें अपनी अधिकार को ले लेना चाहिए, यह हमें संदेश देती है। निश्चित ही इसके बताए हुए मार्ग को अपनाकर अपने अधिकार और कर्तव्यों का हमें पालन करना होगा।